अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और मैं आइडियाज़ दूंगा सिर्फ इसके, और थोड़ा सा बताऊंगा कैसे करना है और होते क्या हैं। और ये कुछ लिस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो मेरे नॉलेज में था वो यही है, और मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगा। फर्स्ट जो सा है कि आपने कोई भी वीडियो उठानी है क्रिएटिव कॉमन्स से, जैसे मैंने लेक्चर 3 में बताया है, और उसको आपने एडिट कर देना है। तो ये तो आपको मैं आप इसके लिए थर्ड लेक्चर देख लें। उसके बाद है मर्जिंग 2 और 10 वीडियोज़ इंटू 1। इससे क्या मुराद है कि आपने कोई 2 वीडियो उठा लेनी है और आपने उन दोनों को कंबाइन कर देना है, उन दोनों को मिला देना है, और वो सेम नीचीज़ की होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे हम यूट्यूब में लिखते हैं कि टॉप 10 कार क्रैशेज़, तो हमारे पास 10 कार क्रैशेज़ की वीडियो आ जाती है, लेकिन वीडियो एक होती है लेकिन वो 10 क्रैशेज़ को मिलाया हुआ होता है। और या फिर आप 2 कर लें या जितने भी कर सकते हैं। तो ये 10 जो है ना, इसे हम कहते हैं टॉप लिस्ट कहते हैं इसे, टॉप लिस्ट 10, सॉरी। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल में या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे टॉप 10 फनी वीडियोज़, टॉप 10 फनी कैट्स वीडियोज़ या इस तरह की, और उसको आपने एक वीडियो उसकी बना लेनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं इम्पोर्ट वीडियो में जाता हूँ, और मैं एक वीडियो इम्पोर्ट कर देता हूँ, और इसमें भी आपने करना है। और इसके लिए आपके पास ज़्यादा चांसेस भी आ जाते हैं। अगर आप किसी वीडियो में कमी करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और कुछ एक और चीज़ है वो भी आपने करनी है, बाकी टाइटल और लास्ट पे और साथ में लोगो वगैरह वो आपने लाजमी देना है। और आपने इम्पोर्ट जितने भी वीडियो करनी है वो आप कर लेंगे, और एक एक को पकड़ के आप ड्रॉप करेंगे, एक को पकड़ेंगे और ड्रॉप करेंगे, एक को पकड़ेंगे ड्रॉप करेंगे, और उसे मैनेज करेंगे। और उसे मैनेज करने के बाद आपने उसे एडिट कर देना, और आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, हमने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे हमने इसे ड्रॉप कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा कर लूँ। और इसी तरह जो भी दूसरी वीडियो होगी आपने उसे यहाँ पे ड्रॉप करना है। अगर आप यहाँ पे करें तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो ये एक वीडियो है और एक ये वीडियो है, और इस मैंने इसको मर्ज कर दिया है। बाकी जब हम स्टोरी बोर्ड में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये डाल दिया, उसके बाद वीडियो ट्रांजिशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वीडियो है तो वो कुछ इस तरह चेंज होगी। तो मैं अगर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जब प्ले करता हूँ थोड़ा सा पीछे से, तो आप देख सकते हैं कि वो मैंने ब्लरिंग किया था और उसके बाद कुछ इस तरह शो हो जाएगी। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है कि पिक्चर्स इनटू वीडियोस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ होटल इन अफ्रीका, और यहाँ पे मैं इमेजेस में जाता हूँ, और इमेजेस से मैं इसकी इन्फो ले लेता हूँ कि ये है क्या, और टाइटल से मैं एडिट कर सकता हूँ। बाकी ये कैमटेशिया स्टूडियो से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट
इंपोर्ट कर लें और उसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे ड्रॉप करें और पकड़ें और ड्रॉप कर दें। और ये विंडो मूवी मेकर और कैमटेशिया का तकरीबन एक ही रूल है, बस थोड़ा सा ही चेंज होगा। और आपने इसके बारे में लिख लेना है और आपने ये फाइंड करना है। और आप कोई भी वीडियोस उठा सकते हैं और आप जितनी मर्ज़ी वीडियो उठा सकते हैं आप वो उठा लें, और कैमटेशिया में भी और विंडो मूवी मेकर ये आपको गूगल से मिल सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए। तो यहाँ पे है इम्पोर्ट पिक्चर्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं कोमल रिजवी के हैं, तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले मैं क्या करूँगा इसको, इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक वीडियो बन चुकी है, और टाइटल वगैरह वो सारा कुछ दे सकता हूँ। और साथ में नीचे आपने एक ऑडियो दे देनी है ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो पिक्चर्स देखने में, क्योंकि पिक्चर्स के साथ अगर सॉन्ग वगैरह कुछ अच्छा सा हो या साउंड वाला हो काम तो वो भी बेस्ट रहता है। आपने यहाँ पे डाल लेना है और आपने स्टार्टिंग में लोगो और टाइटल वगैरह दे देना कि ये वीडियो है किस चीज़ के बारे में, और आपने लास्ट पे थैंक यू सो मच कह देना, यानी कि देखने के लिए थैंक यू सो मच कह देना, और आपने इसकी एक वीडियो बना लेनी है। तो ये तो क्या पिक्चर्स। अब आप दो चीज़ें जो उनसे ना वो आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कोई ट्यूटोरियल्स बना लें कोई इजी सा, यानी कि फेसबुक पे अगर वहाँ पे एड्स आते हैं आप उन एड्स को ब्लॉक करने के लिए कोई ट्यूटोरियल बना लेते हो, यानी कोई भी सिंपल सा बना लें। आप इसकी टेंशन ना लें कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मुझे डर लग रहा है मैं बोलूँगा ये होगा वो होगा, हालाँकि मुझे नहीं बोलना आता, मैं खुद भी बीच बीच में फंस जाता हूँ। तो आप अपने खुद ये ट्यूटोरियल्स बाय योरसेल्फ भी कर सकते हैं, यानी कि कैमटेशिया स्टूडियो यहाँ पे मेक रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, और आपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर देना है और माइक में उसके साथ उससे बोलना है और आप कर सकते हैं। बाकी ये है कैप्चर, फॉर एग्जांपल आप एक शादी हॉल में गए हैं और वहाँ पे एक बिल्ली आ गई है, और बिल्ली जो सी है ना वो मेहमान तो खाने से रहे, बल्कि बिल्ली जो सी है ना वो मेज़ पर छलांग लगाई है और बैठ गई है और खाना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो आप उसे अपने मोबाइल से कैप्चर कर लें, ये भी आपकी वीडियो हो गई। आपका कोई भांजा है, बेटा है, कोई कज़न है, छोटा सा बच्चा है, आप उसको कुछ, यानी कि उनका कुछ टैलेंट है, फॉर एग्जांपल वो बड़ा अच्छा बोलते हैं या हंसते हैं या कोई भी है, तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो उनसे है ना, बल्कि काफ़ी देर हो गई है, एक बच्चा था चार्ली बिट माई फिंगर, वो चला है, काफ़ी ज़्यादा चला है। आपको आप में से किसी को शायद पता हो, वो एक छोटा सा बच्चा होता है उस, और दूसरा बच्चा जो उनसे है वो यानी कि दोनों भाई होते हैं, तो वो उसके मुंह में उंगली देता है और वो जैसे ही दबाते हैं ना तो वो रोता है, तो उसकी एक वीडियो बना दी और वो बहुत चली, और उनके जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने सही खूब पैसे कमाए और उनको बड़ी इज्जत मिली। तो आप भी कोई भी कर सकते हैं, और YouTube जो है ना अगर वहाँ पे आपकी कोई भी वीडियो आपकी खुद की बनाई हुई हो अगर वो ऊपर चली गई है ना तो फिर वो ऐसी ऊपर जाती है ना कि आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स है, ये पावर पॉइंट है ना, अब ये पावर पॉइंट यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और कुछ भी यहाँ पे न्यू टेम्पलेट्स या इंस्टॉल टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें और क्रिएट पे क्लिक करें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं कैमटेशिया में जाऊँगा और यहाँ पे रिकॉर्ड पावर पॉइंट पर कर दूँगा। तो ये पावर पॉइंट में जितना भी है, अच्छा पावर पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वेब पर जाता हूँ, आपने होटल्स इन अफ्रीका ही करना है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि टॉप 20 होटल्स इन अफ्रीका, और आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं।
आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर ले ली है और साथ में अभी इसके साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप यानी कि कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि ऑनलाइन वर्क लिख लेता हूँ, और मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल है, क्योंकि लोग फिर जो नहीं पढ़ सकते ना वो फिर वो ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास है या फिर वो कुछ फाइंड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पावर पॉइंट में आपने उसे एडिट कर देना, उसकी वीडियो बना लेनी है और उसके बाद आपने कैमटेशिया से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अच्छा, इसको हाँ, जब मैं Ctrl 5 दबाऊँ क्लिक दबाता हूँ तो स्क्रीन कुछ बड़ी हो जाती है और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पावर पॉइंट का हो गया, बाकी एक वीडियो मेकर एफएक्स है, उसमें भी यही है, कुछ आर्टिकल वगैरह जो उनसे हैं आप वीडियो मेकर एफएक्स में कर सकते हैं, आपको वीडियो मेकर एफएक्स मिल भी जाएगा नेट से। बाकी एक है स्पार्कल वीडियो सब्सक्राइब, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए यूज़ होता है अगर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं। और वीडियो मेकर एफएक्स के बहुत ज़्यादा थीम भी मिल जाते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आप वीडियो बना सकते हैं। स्पार्कल वीडियो सब्सक्राइब है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइल्ड बोर्ड, वाइट बोर्ड एनिमेशन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं वीडियोस में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो आप भी कुछ इस तरह बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वीडियो मेकर एफएक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं और आपको ये क्रैक भी मिल जाता है, आपको फाइंड करना पड़ता है। आप गूगल देखें ना, यहाँ पे मैंने वीडियो मेकर एफएक्स किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेब पे करता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा आ गया, मैं क्रैक ले देता हूँ, मुझे क्रैक मिल जाएगा और यहाँ पे देखें मुझे इतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिल चुके हैं। तो गूगल पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, अगर आप यूट्यूब पे करें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब दुनिया की तीसरा प्लेटफॉर्म या तीसरी साइट या तीसरा ब्राउज़र है जहाँ पे लोग करोड़ों की तादाद में आते हैं। अभी तो यूट्यूब पाकिस्तान मुस्लिम मालिक में तो काफ़ी नीचे चला गया हुआ है, बाकी काफ़ी आगे भी है, तो अभी भी अंग्रेज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने सिलेक्शन करनी है और आपने जब लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव करना है, तो उससे पहले आपके अकाउंट पर 2 से 3 वीडियोस लाजमी होनी चाहिए, तो आपने ये लाजमी वीडियोस बनानी है। कोई भी बना लें, ट्यूटोरियल छोटा सा बना लें, 2-3 मिनट का बना लें, कोई भी चीज़ बिल्ली कैप्चर कर लें, अपने भांजा कैप्चर कर लें और वो या अपना बेटा कर लें, कोई भी यानी कि चीज़ कैप्चर कर सकते हैं, या मौसम ख़राब है या गाड़ियाँ जा रही हैं या कहीं पे रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक जाम है, कोई कुछ भी कैप्चर कर लें, मोबाइल तकरीबन हर किसी के पास होता है और उसे आप कैप्चर कर लें, बाय ट्यूटोरियल बना लें। पिक्चर्स बहुत इजी है, आपने फाइंड करनी है, सेव करना है और आपने उसकी एक बना दी। ये थोड़ा है क्योंकि आपने 10 वीडियो को फाइंड करना है और उसको करना है, बाकी आप ये भी करें इसका भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, यानी कि यहाँ ये टॉप लिस्ट 10 वीडियोज़ जो सी होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। बाकी आप एडिट, अगर आप कोई वीडियो एडिट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने, अगर आप मेरी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपने कोई भी स्टेप खुद से नहीं लेना, जो मैं स्टेप बताऊं सिर्फ आप वही करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया ना, तो आपने यही करना है और 2-3 वीडियोस आप खुद बना सकते हैं, अगर आप पिक्चर्स इनटू वीडियो कर लें, ट्यूटोरियल बाय यू कर लें कैप्चर या टूल से बना लें, तो इनमें तो आपको कोई कॉपीराइट का इशू आ ही नहीं, और आपकी वीडियो भी बन सकती है। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ,
उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। बाकी अगर कंपटीटर के टैग्स कैसे चेक करते हैं आप टूल्स में बताऊँगा कि कहाँ से आप अच्छे टैग्स या कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं और अपनी वीडियो पे बना सकते हैं, क्योंकि टैग्स ही अगर आपके वीडियो पर हों तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करने में हेल्प करती है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।